कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपालीज ब्लॉग में। और आज मेरी शक्ल हो रखी है बहुत बेकार सी, क्योंकि आज मैंने हमारे यहाँ जो होना है पेंट, तो मैंने सोचा कि कोई फ़ायदा तो होगा नहीं तैयार होने से, तो मैं नहा के मैंने ऐसी पूजा कर ली। और पेंटर्स भी जो हैं जल्दी आ जाएंगे, और आजकल तो इतने बिजी हैं पेंटर, उनको टाइम ही नहीं है। एक दिन का टाइम बहुत मुश्किल से मिला है उन्हें, तो उन्होंने यही कहा है बस हम थोड़ा थोड़ा पेंट करेंगे, ज़्यादा हम नहीं फैलाएंगे, रूम में नहीं करेंगे हम। तो फिर हम लोगों ने कहा ठीक है भाई किचन कर दो, हमारा किचन बहुत गंदा हो गया है, लैट्रिन बाथरूम का एरिया बहुत गंदा हो गया है, और बाहर टेरेस पे जो बाउंड्री है उसकी, उस पर हमने कहा पेंट कर दो, ज़्यादा नहीं करना। तो और रूम में तो ये है, उन्नति अभी पेंसिल पेन चलाती रहती हैं वॉल्स पे, तो रूम का हमने बोला भी नहीं था भैया से जो लैंडलॉर्ड हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई करवा देंगे। तो अब वो आएंगे, अब वही है कि भाई काम तो फैलेगा आज, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना ली जाए थोड़ी सी। तो अभी मैं फिलहाल नाश्ता बनाऊंगी जल्दी से, मैंने पूजा कर ली है, और नाश्ता बनाने के बाद फिर किचन का सारा सामान हमें बाहर करना है, बाथरूम में जो भी रखा है वो बाहर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं नाश्ते में आज बना रही हूँ बैंगन और आलू का भरता, बस जल्दी जल्दी बना दूंगी। तो मैंने बैंगन उबलने रख दिए हैं, तो बस उसको छील के फटाफट, और आलू रखे थे मेरे पास बॉयल्ड, तो मैंने उनको मैश किया, और बस पराठे सेकूंगी, फिर हैवी सा बना लेंगे। तो यह है किचन में जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बनाने की, हल्का फुल्का। तो फिर ये अपना इंडक्शन लगा लूँगी तो अंदर टेबल पे, तो उस पर चलता रहेगा काम। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले किचन में जाते हैं और फिर आगे का काम शुरू करते हैं। तो बैंगन और आलू का भरता बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में हींग और मेथी का दाना डाल दिया है, और हल्दी धनिया लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और अब मैं टमाटर डाल दूंगी इसमें। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें नमक डाल दूंगी और अच्छे से उसको मैश कर लूंगी, और मैं जल्दी जल्दी में बना लूंगी क्योंकि पेंटर आ चुके हैं बाहर और वो बाहर का सब सामान हटा रहे हैं, गमले वगैरह। तो अब मैं इसमें अपना डाल दूंगी जो मैंने मैश करके आलू और बैंगन रखा हुआ है, तो मैं आलू में मैश कर दूंगी इसको और अच्छे से मिक्स करके पका लूंगी। तो लीजिए तैयार हो गया हमारा बैंगन आलू का भरता, और ये सीख गए मेरे पराठे, और अब मैं इसको रख दूंगी कवर करके, जब टाइम मिलेगा तब खाएंगे हम लोग। और यहाँ बाहर काम शुरू कर दिया है इन लोगों ने, सारे पेड़ पौधे हटा दिए हैं और जो भी सामान था, तो बस स्टार्ट हो गया है अब काम। और अब मैं किचन में से सारा सामान हटा लूँगी अपना, जो भी रखा है किचन खाली करना है मुझे, तो सारे जो डिब्बे हैं जितने भी वो सब हटाऊंगी। और ये रैक्सी मैंने बिछा रखी थी, ये भी पूरी फट चुकी है, पुरानी हो गई है अभी भी। तो मैं एक एक करके सारा सामान हटा देती हूँ। तो मेरी स्लिप दोनों खाली हो चुकी हैं, अब मेरे बर्तन रह गए हैं और बर्तनों का स्टैंड रह गया है, स्टैंडर रह गया है, तो वो भी मैंने भी सारा खाली कर दिया है। बर्तनों का स्टैंड और सारे बर्तन मैंने धीरे धीरे करके टोकरी में करके पहुंचा दिए हैं उसमें रूम में, और अब स्टैंड रह गया है तो स्टैंड भी मैं खाली कर लूँगी सारा। और यहाँ उन्नति भी हेल्प करवा रही हैं और बहुत सारा सामान उठा उठा के छोटा छोटा ले गई हैं ये, और यहाँ पे इनके पापा उन्नति की रैक्सीन जो थी पुरानी वो निकाल रहे हैं, क्योंकि फिर पूरे पे ही पेंट हो जाएगा अच्छे से, तो पूरी रैक्सीन निकाल दी उन्होंने। फिर ये स्टैंड भी खोल दिया इन्होंने, बहुत मुश्किल से खुला था बट खुल गया फाइनली। और इन्होंने सिलेंडर भी निकाल दिया ये, तो जितना भारी भारी काम था वो उन्नति के पापा ने सारा किया, हल्का हल्का जो था वो मैंने किया सारा, तो दोनों लोग लगे ही रहे बिल्कुल। फिर यहाँ पे उन्होंने पुट्टी कर दी है, किचन में हो चुकी है पुट्टी, अब बाथरूम में कर रहे हैं। और यहाँ बाहर भी वो अपना लगे पड़े हैं, दो आए थे लोग पेंटर, तो दोनों लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ने पेंट शुरू कर दिया है, अब किचन से स्टार्ट कर दिया, पुट्टी हो चुकी है सारी जगह।
गैस पे डाल दिया पुराना कपड़ा, जिससे इस पे वो जो पेंट है चीटे ना आए उसके, इसलिए। ये मैं किचन में खड़ी हूँ इस टाइम, और बस अब मैं थोड़ी सफाई करूँगी यहाँ, झाड़ू वगैरह लगा दूँ, और फिर कल सारा सामान सेट करेंगे, क्योंकि जो अभी पेंट है ये अभी गीला है थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे, तो सब जगह फिर वो गीला गीला है तो छूटने लगेगा। तो मैं सोच रही हूँ कल सारा सामान साफ करके फिर मैं किचन में और बाथरूम में जो खाली किया है वो लगाऊं। तो मैं बाथरूम भी दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए हम बाथरूम में आ गए हैं। तो ये साइड से जितना भी सामान रखा था वो सारा मैं कल लगाऊंगी, फिलहाल अभी मैं इसमें धुलाई भी नहीं करूंगी, कल सुबह सारा धुलाई वगैरह करके सामान लगा के फिर सारा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और आप देखिए बाहर का भी हो चुका है पेंट। तो देखिए मैंने यहाँ पे टेबल पे सारा सामान लगा लिया था ये, और इंडक्शन भी रख लिया था, तो मैंने दूध वगैरह जो देना था उन्नति को वो यहाँ से दिया, मैगी भी बनाई थी अभी, और सब सामान मेरा पूरा फैला पड़ा है, मैं इसे कल ठीक करूँगी। बटनों का स्टैंड वगैरह सब पहुँच के लगाना है मुझे। और आरओ भी साफ़ कर लिया है हम लोगों ने, थोड़ा ही गंदा था क्योंकि ऊपर से पॉलीथीन हम चढ़ा देते हैं इसके, और वो वाली तो फेंक दी हमने, गंदी बहुत हो गई थी, तो अब ये दूसरी पॉलीथीन पे चढ़ा के पूरा पैक करके इसको किचन में फिट करेंगे तो ये गंदी नहीं होगी जल्दी से। और ये रैक भी मुझे धुल के लगानी है साफ़ करके। तो देखिए फ्रेंड्स हो गई है, पेंट हो गया है, और अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, और मतलब पापा भी थक चुके हैं, जबकि थोड़ा सा ही था, देखा आप लोग कितने छोटे छोटे बाथरूम हैं, कितना छोटा सा किचन है, उसमें इतना सारा सामान फैल गया, तो वही ना कि कुछ भी काम छोड़ो थोड़ा सा भी तो थकान हो जाती है। और ये देखिए मेरे सारे बाथरूम सारा कहीं सेट करूँगी, अभी तो फिलहाल किचन भी गीला है और करना नहीं है इसमें, और उसका वीडियो मैं कल शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।